गुड मॉर्निंग गाइज, मैं बलराम मीणा स्टीरियो साइंस एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं, बीएससी सेकेंड ईयर का एक चैप्टर चल रहा था अपना डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके अंदर अपन ने बात की थी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा था मैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि स्टीरियो साइंस एकेडमी का प्ले स्टोर पर एक ऐप है, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके ये जो चैप्टर्स आ रहे हैं कंटिन्यू आप लोगों को वहीं मिलेंगे। यहाँ तो एक दो वीडियोज मेरे मिल पाएंगे, तो मैंने वहाँ पर एक कोर्स लॉन्च किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर का, बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, और वो कोर्स वहाँ पर आप लोगों को परचेज करना पड़ेगा अगर पढ़ना है तो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि बहुत कम प्राइस 599 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पर वो। और वहाँ पर उस कोर्स के अंदर आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव क्लासेज मिलेगी। रिकॉर्डेड वीडियो कौन से होंगे, जैसे क्लास मैंने ले ली, क्लास लेने के बाद जो बच्चे रह जाते हैं तो वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे आप लोगों को, साथ में आप लोगों को नोट्स लिखाई जाएंगे उसी के अंदर, और साथ में ही सभी यूनिवर्सिटीज़ के लगभग मैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ अपने राजस्थान के अंदर है सभी यूनिवर्सिटी का कोर्स कवर करवाने की कोशिश करूँगा, और किस तरह का पेपर पैटर्न आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप लोगों को बताता रहूँगा। क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं प्रमोट होके आए हैं सेकेंड ईयर के अंदर, तो प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं उनमें तो आराम से आप लोगों को पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहती, पर जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पर आप लोगों को पता होगा रेगुलर क्लासें नहीं लगती, कोरोना डिस्टर्ब कर रहा है सब कुछ, सारी समस्याएं होती, और आगे भी हो सकता है कोरोना आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, तो लॉकडाउन लग जाए वापस से तो आपकी क्लासें वापस प्रभावित हो सकती है, तो आपका जो एकेडमिक ग्रोथ है वो बहुत ही लो रह जाएगा। आप लोगों को बताया कि बीएससी के बाद आप लोग जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे, जिसके अंदर आप लोग केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ जो भी पढ़ोगे, वहां पर आप लोगों को फिर दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, तो एकेडमिक ग्रोथ करने के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ही, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में पढ़ना पड़ेगा, तो उससे अच्छा अभी अपने पास टाइम है और आराम से घर बैठे आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो फीस रखी मैंने बहुत कम फीस रखी है, आप लोगों को बताया कि अगर कहीं ट्यूशन भी जाते हो आप लोग तो ट्यूशन जाने की फीस तो ज़्यादा होती है, उसके अलावा आप लोगों का किराया लग जाता है उधर से उधर जाने का, और फालतू में परेशान होते हैं वो अलग। तो जो भी लोग कोर्स को लेना चाहते हैं वो आसानी से ले सकते हैं, वहाँ पर मैंने बता दिया आप लोगों को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा। साथ में बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, वो भी वहाँ पर चल रहा है स्टीरियो साइंस एकेडमी का जो ऐप है प्ले स्टोर पर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो मेरा मोबाइल नंबर है 9, उस पर आप लोग कॉल कर दो, जिससे मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा, 9588-0565। इसके अलावा बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री भी उस ऐप पर अभी चल रही है लाइव क्लासेज, और रिकॉर्डेड वीडियो उसके मिल जाएंगे, तो वहाँ भी आप लोग फर्स्ट ईयर के बच्चे हो चाहे सेकेंड ईयर के बच्चे हो चाहे थर्ड ईयर के बच्चे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, सभी बच्चे इस कोर्स को ले सकते हैं और आप लोगों का पूरा कोर्स वहाँ पर कवर करवाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने वहाँ पर उस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा था उस दिन, तो उस दिन मैंने बता दिया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, डी ब्लॉक तत्व किसको बोलते हैं, तो मैंने वहाँ पर बताया था आप लोगों को कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में जो आने वाले तत्व उनको अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, और उनको अपन ने संक्रमण तत्व बोला था, और मैंने ये भी बताया था संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो एक डेफिनेशन तो मैंने बताई थी, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, ये एस ब्लॉक और तथा पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको अपन संक्रमण तत्व बोल रहे थे। एक डेफिनेशन और बताई थी मैंने, बोला था कि डी ब्लॉक के वे तत्व जिनमें जो डी कक्षक होता है वो अपूर्ण रूप से भरा होता है उनको अपन संक्रमण तत्व कहते हैं। मैंने क्या बोला कि डी ब्लॉक के वे तत्व जिनमें डी कक्षक अपूर्ण रूप से इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है उनको अपन ने क्या बोला था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्वों के नाम से जानते थे। मैंने बता दिया था आप लोगों को कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व हैं उनको संक्रमण तत्व बोल रहे थे, और आप लोगों को एक बात यह भी बता दी थी मैंने कि जिंक कैडमियम मरकरी जो ग्रुप नंबर 12 के तत्व हैं उनको अपन संक्रमण तत्व नहीं मान रहे थे। क्यों नहीं मान रहे थे उसका रीजन भी मैंने बताया था। डेफिनेशन जो मैंने बोली उसके अंदर एक बात बताना मैं भूल गया तो मैं दोबारा बता दूं, ये बोला जाता है कि वे तत्व जो कि अपनी परमाणु अवस्था या स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था या अपन बोल सकते हैं सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था होते हैं उसके अंदर भी अगर वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है डी ऑर्बिटल्स तो उनको अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व है। तो ये बोला गया जिंक कैडमियम और मरकरी जो होता है वो परमाणु अवस्था में है और अपनी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो अवस्था होती है +2 उन दोनों के अंदर उनका डी ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, 3D10 होता है। जैसे जिंक की बात करें अपन
केडमियम की बात करें या मरकरी की बात करें, तो जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2 4d10 5s2 और इधर ही 5d10 6s2 इस तरह से। तो इनकी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी अपन देखेंगे तो यहाँ पर 10 10 10 पूरा का पूरा डी फिल्ड हो रहा है। नॉर्मल तो है ही नहीं, दोनों के दोनों पूरा बराबर, पर अपन बोले प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट की भी मैं बात करूँ तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में भी यहाँ पर क्या होता है सबकी, अगर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट अपन लगा दें तो यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा भरा हुआ डी ऑर्बिटल, इसलिए इनको अपन ने संक्रमण तत्व नहीं माना था। ठीक है, अब मैंने गुण बता दिए थे कि संक्रमण तत्वों में कौन कौन से गुण होते थे, उसके बाद मैं बता रहा था कि संक्रमण जो तत्व हैं उनके अंदर अपन यहां पर ओनली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करने वाला हूं। मैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन की बात करने वाला था और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं मैं दोबारा और आप लोगों को बता देता हूं। तो स्केडियम से लेकर जिंक तक के जो तत्व हैं उनको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स बोले गए हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व बोला जाता है। 21 से लेकर 30 तक इनका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, अब इसमें अपन बात क्या क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, इसमें से क्या क्या जो मैंने गुण बताए थे ना उन गुण से हर एक से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले अपन यहां पर देखने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर बात करने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, उसके बाद में बात करने वाला हूं परमाणविक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या की, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, परमाणविक त्रिज्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो बात करेंगे, परमाणविक त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं यहां पे आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी बोलते हैं जिसको आप लोग। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था की, बात करने वाले अपन चुंबकीय प्रकृति की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसके अलावा अपन यहां पर इस चैप्टर के अंदर ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये तो हो ही गई, इसके अलावा और जो गुण है इसके, जैसे बात करें रंग, ये अपन बात कर सकते हैं संक्रमण धातुओं में रंग कलर की बात करने वाले हैं, और अपन बात करने वाले हैं यहां पे कलर के अलावा चुंबकीय प्रकृति हो गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई, ऑक्सीकरण अवस्था हो गई, मेटलिक नेचर, धात्विक प्रकृति, क्या बात करने वाले हैं अपने यहां पर धात्विक प्रकृति, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेटलिक नेचर। इसके अलावा मेटालिक नेचर के अलावा यहां पर अपन एक दो बातें और है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एक तो उत्प्रेरक सक्रियता, उत्प्रेरक मैंने लिखवाया था ना कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वे उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो क्यों होते हैं वो बात करने वाले अपन, उत्प्रेरक सक्रियता, कैटालिटिक एक्टिविटी। इसके अलावा बात करने वाले आवेश स्थानांतरण संकुलों की, आवेश स्थानांतरण संकुल। तो सब तरह के जो क्वेश्चन है जितने भी क्वेश्चन है उन सबको अपन यहां पर लेके चलने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, बाकी और भी कुछ टॉपिक्स हैं उन सबकी मैं बात करने वाला हूं। अब यहां पर आज अपन बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की, कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है इनकी और आयनिक रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर अपन यही बोलते हैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ के आते हो, तो यहां पर भी इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी अपन देखने वाले हैं। एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो इंपॉर्टेंट भी है अपने लिए। अब इंपॉर्टेंट क्यों है उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहला टॉपिक अपना, तो अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर अपन मैं बात करूं कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, वो आप लोग जानते भी हो। बस मैंने दो तरीके से क्यों बोला, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि n माइनस वन डी 1 to 10 ns2 ये तो होता ही है, पर आप लोग देखते होंगे इसमें क्या होता है क्रोमियम और कॉपर जो होता है यहां पर डी एन प्लस वन और ns1 इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ते हो कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो ऐसा
किस किस में होता है, तो अपन बोलते हैं ओनली क्रोमियम और कॉपर वाले जो तत्व हैं उनमें इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता था। और ये क्यों पाया जाता था, तो ये बोला जाता था कि इस अवस्था में कि इनकी जो ऊर्जा का मान है इस ऑक्सीडेशन सॉरी इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ऊर्जा का जो मान होता है क्रोमियम और कॉपर में वो कम हो जाता है और वो स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं आप लोग भी जानते हो, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास वहां पर आप लोग पढ़ते हो। तो मैं बात करूं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो क्रोमियम से सॉरी स्कैडियम से लेकर जिंक तक के जो तत्व हैं उन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले स्कैंडियम आता है, टाइटेनियम आता है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो यहां पर अपन लिखते हैं ऑर्गन अपना 18 आता है। उसके बाद में बात करते हैं 3D और 4S। तो यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा N प्लस L का नियम पढ़ा है, उसमें यह बताया जाता है कि जिसके लिए N प्लस L का मान ज्यादा होता है, जिसके लिए N प्लस L का मान ज्यादा होता है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, और जिसके लिए N प्लस L का मान कम होता है उसकी ऊर्जा कम होती है। ये सबको पता है कि 3D की एनर्जी और 4S की एनर्जी क्या, बस मैं बता रहा हूं मेरा फर्ज बनता है। 3D की अगर बात करें यहां पर N प्लस L लगाएं अपन दोनों के अंदर तो N का मान 3 हो गया, S P D, L का मान यहां से चालू होता है 0 1 2, तो यहां पर आ गया 2, 3 और 2 5। और बात करें 4S की तो क्या हुआ, 4 N का मान 4 हो गया और S का मान क्या हो गया यहाँ पे, S का मान 0। तो कुल मिला के यहाँ पर देखो कि 3D के लिए तो 5 आ रहा है और 4S के लिए 4 आ रहा है, तो किसकी ऊर्जा का मान कम है, तो अपन बोलते हैं 4S की ऊर्जा का मान कम होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले 4S में जाएगा। ये बात आप लोगों को पता है। इसके अलावा कुछ बातें और मैं बताना चाहूंगा क्योंकि अपन सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पर नॉर्मल बातें मेरे को जो बतानी चाहिए वो मैं बताऊंगा भी सही आप लोगों को। मैं बताऊं KLMN ये सेल होते हैं, आप लोग देखते हो जो नाभिक होता है नाभिक के सबसे पास KLMN इस तरह से सेल चलते जाते हैं। अगर बात करें 3D और 4S की तो आप लोग थोड़ी देर बाद मुझे बोलने वाले हो कि सर इलेक्ट्रॉन पहले 4S में जा रहा है और निकलता किसमें से, इलेक्ट्रॉन मैं बोल रहा हूं कि पहले 4S में जाता है और फिर 3D में जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो आप लोग बोलोगे सर आप 4S में से क्यों निकाल रहे हो, कि 4S की ऊर्जा का मान तो अभी आप लोग ने क्या बताया था, कम बताया था, और जिसकी ऊर्जा का मान ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन पहले वहां से निकलता। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 3D है ना वो अंदर की साइड होता है, 4S बाहर की साइड होता है। तो अपन बात करते हैं वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल बाह्यतम कोष कौन सा होता है, इसमें से 4S ही होता है, ऐसे दोनों को काउंट करते हैं अपन, पर 4S ही होता है और 4S के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, एक बात और बताना चाहूंगा कि 3D और 4S की जो ऊर्जा है ना इसमें बड़ा लोचा होता है, बहुत सारी बातें समझने की है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 3D और 4S में, कि 4S में जब इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो अपन जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अगर मान लो कि 3D और 4S अपन बोलते हैं 3D की ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, 4S की ऊर्जा का मान कम होता, पहले इलेक्ट्रॉन 4S में गया, अगर मैं बोल रहा हूं कि 3D अंदर की साइड होता है तो यहां पर होना क्या चाहिए, कि मान लो कि 3D की ऊर्जा कम हो जाए और इलेक्ट्रॉन 4S से 3D में आ जाए, तो होगा क्या कि 4S के इलेक्ट्रॉन और 3D के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन हो रहा था, रिपल्शन तो होगा प्रतिकर्षण, 3D के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो यहां भी रिपल्शन होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो वो रिपल्शन तो कम हो जाएगा क्योंकि 4S में इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही नहीं। बट क्या होगा 3D के अंदर, क्या होगा 3D के अंदर, आप लोग बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, उसकी वजह से 3D की ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, ऐसा ही होगा। पर अपन यहां पर ये बोलते हैं कि ये होता कब है, जब 4S में इलेक्ट्रॉन हो, तो 4S में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बढ़ेंगे तो यहां पर ये वाला मैटर आएगा ही नहीं। तो अपन यहां पर ये बोलेंगे कि 3D से पहले 4S के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद में ऊर्जा कम या ज्यादा होती रहती है। तो यहां पर अपन जो बात करने जा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, और मैं आप लोगों को जो बात बताने वाला था वो बात यही थी कि 4S और 3D में से 3D अंदर की साइड रहता है जबकि 4S बाहर की साइड रहता है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4S में से ही निकलेगा। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ठीक है, स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम में ये होता है इलेक्ट्रॉन पहले 4S में जाएगा, 4s2 3d1, पर इसको अपन लिखते कैसे हैं, ये वेनेडियम में क्या आएगा आर्गन 3d3 4s2। क्रोमियम में क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की वजह से अपन यहां पर 3d5 कर देते हैं और यहां पे 4s1 कर देते हैं। होना क्या चाहिए था आपके हिसाब से 3d4 4s2, परंतु ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता थोड़ा सा समझ लो आप लोग। 3d4 को 3d5 करने से क्या हुआ, यहां पर आप लोगों को पता है डी कक्षा के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 10 में D5 कर देंगे तो 5 हो जाएंगे। आप लोगों को पता है कि इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन बोलते हैं पूर्ण पूरित, अर्ध पूरित और खाली,
जो विन्यास होता है वो ज्यादा स्थायी होता है बजाय किसके, दूसरों के। तो D0, D5 का D10, तो ऐसा करने से एक इलेक्ट्रॉन इधर करने से यहां पर क्या हो गया D5, और यहां पर 4s2 तो पहले भी स्टेबल था, फुल भरा हुआ था, परंतु इसको अपन ने 4s1 कर दिया, तो ये अभी भी स्थाई है। तो यहां पर अगर देखो 3d4 4s2 के अंदर तो ओनली एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो स्थाई है, यहां पर बात कर सकते हैं 4s है वही स्थाई है, परंतु अगर ऐसा कर देंगे अपन तो 3d5 और 4s1 दोनों के अंदर अर्धपूरित विन्यास हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों स्थाई हो जाते हैं। इसलिए अपन बोलते हैं कि ऑर्गन के, सॉरी, क्रोमियम और कॉपर के अंदर इस प्रकार का जो डेविएशन होता है वो पाया जाता है, अपन बोल सकते हैं ना। तो यहां पर देखो मैग्नीज का क्या होगा, फिर मैग्नीज के अंदर वही आर्गन 3d5 4s2, यहां पर वापस चला जाएगा यह आर्गन का क्या होगा 3d6 4s2, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है ओनली। आर्गन 3d7 4s2, इसका क्या होगा निकिल का, वही ऑर्गन 3d8 4s2। और कॉपर में क्या होता है, कॉपर के अंदर होना क्या चाहिए था भाई, होना चाहिए था 3d9 4s2, आप पर होता क्या 3d10 4s1, इसका भी रीजन वही है, होना क्या चाहिए था 3d9 4s2 होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था, पर ऐसा ना होकर कैसे हो रहा है ये आप लोग को पता, 9 की जगह तो क्या हो गया 3d10 और ये हो गया 4s1, तो ये 9 वाला तो पूरा 10 वाला हो गया, तो पूर्णपुरी तो हो गया, और s1 वाला s2 वाला s1 हो गया, तो दोनों के दोनों विन्यास क्या हो गए, स्थाई विन्यास हो गए। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है 3d10 4s1, और ऑर्गन का क्या होता है 3d10 4s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैंने बात कर ली, डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिखे जाते हैं यहां पर। तो सबसे पहले अपन लोगों को यहां पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, और सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस प्रकार से लिखा जाता है। ओनली क्रोमियम और कॉपर की मैं बात करूं तो क्रोमियम और कॉपर में ऐसा इसलिए होता है कि 3d10 और 4s1 होने की वजह से क्वेश्चन पूछ ले कि क्रोमियम और कॉपर के अंदर डेविएशन क्यों पाया जाता है। तो इसका रीजन यही आप लोगों को बताना है कि क्रोमियम और जो कॉपर होता है इसमें डेविएशन इसलिए पाया जाता है कि डेविएशन की वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो स्थायी हो जाता है। स्थायी क्यों होता है तो अपन बोलेंगे यहां पर, अपन को पता, हम जानते हैं कि अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है। तो जो क्रोमियम है उसमें 3d4 की जगह 3d5 हो गया, जो कि अर्धपूरित विन्यास है जो स्थायी होता है, जबकि जो कॉपर है कॉपर के अंदर 3d9 ना होकर 3d10 हो गया, तो अपन जानते हैं 3d10 पूर्णपूरित विन्यास है, इसकी वजह से स्थायी होता है। हो सकता है मेरी स्पीड आपको ज्यादा लग रही हो, कुछ जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, कुछ बातें जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, ऐसा आप लोगों को लग सकता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बातें समझ में नहीं है आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात अपन ने कर ली है। इसके बाद अपन बात करें परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की। यहाँ पर मैं नोट्स नहीं लिखा रहा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देखोगे आपको यहाँ पर ये जो मैं बातें बता रहा हूँ उसके नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर ली। अब मैं बात करूँ अगर परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की, इस टॉपिक को ढंग से समझ लेना बच्चों। परमाणविक त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, परमाणविक त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या, तो थोड़ा सा मैं बता दूं, आप लोग जानते हो आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो आप लोग जानते हो बाएं से दाएं जाने पर साइज डिक्रीज होती है, साइज कम होती जाती है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग पढ़ते हो कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है, जबकि ऊपर से नीचे जाते हो आवर्त सारणी में तो आप लोग पढ़ते हो कि सेल बढ़ता है KLmn, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता जाता है, जिससे ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता जाता है। ये अपन पढ़ते हैं, परंतु डी ब्लॉक तत्वों की, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की अगर अपन बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर लगातार डिक्रीज नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि पहले तो जो साइज है वो कम हो गई, फिर बीच में कॉन्स्टेंट हो गई, बाद में बढ़ने लग गई। इस तरह से एक ग्राफ आता है, इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कैसा एक ग्राफ आएगा, तो यह बोला जाता है डी ब्लॉक तत्वों के अंदर जो रेडियस का मान है वो पहले कम होगा, फिर कांस्टेंट होगा, और फिर बढ़ने लग जाएगा। इस तरह से ग्राफ आता है, तो ऐसा क्यों होता है इसको अपन को समझना है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, चाहे आयनिक त्रिज्या हो चाहे परमाणविक त्रिज्या हो, इन दोनों को, परमाणविक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, बढ़ना और घटना दो कारकों पर डिपेंड करता है। कितने कारकों पर, दो कारक। तो अपन को उन दोनों कारकों को समझना है, दो फैक्टर है, एक तो है इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव, एक तो है अपना नाभिकीय आकर्षण बल।
क्या है बच्चों? नाभिकीय आकर्षण बल, जिसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और एक अपना प्रिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। क्या है? प्रिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। इन दोनों को समझना है। अगर ये दोनों समझ में आ गए तो अपने को सब बातें समझ में आ जाएगी। जो नाभिक के आकर्षण बल है ना, प्रभावी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, ये तो क्या करता है? त्रिज्या को कम करता है। समझना थोड़ा सा, त्रिज्या को कम करता है और ये क्या करता है? त्रिज्या को बढ़ाता है। इसका मतलब दोनों के दोनों जो कारक है या दोनों के दोनों जो फोर्सेज हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेंगे। एक तो बढ़ाएगा और एक घटाएगा। अब मैंने बोला कि आवर्त सारणी में पहले त्रिज्या का मान कम होता है, फिर बीच में कांस्टेंट होता है, बाद में बढ़ जाता है। इससे अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो ये बोल सकते हैं कि ऐसा होता होगा कि आवर्त सारणी की जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, उनमें ऐसा हुआ होगा कि पहले तो प्रभावी नाभिक की आवेश का मान बढ़ रहा होगा, फिर बीच में दोनों का मान बराबर हो गया होगा, और फिर बाद में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ गया होगा। इसकी वजह से ऐसा होता है। ये बात सही भी है। ये कैसे होती है अपने इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बोला गया, स्कैंडियम से लेके जिंक तक अपन चलते हैं। तो सबसे पहले अपन बोलते हैं कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 3d1 और 4s2, ये होता है। तो प्रभावी नाभिक के आवेश किसको कहते हैं? तो प्रभावी नाभिक के आवेश क्या होता है कि नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया जाने वाला जो इफेक्ट होता है, उसको तो अपन नाभिक के आकर्षण बल बोलते हैं। प्रभावी नाभिक के आवेश क्या होता है? इसमें से शील्डिंग इफेक्ट घटा देते हैं कि जो प्रिरक्षण प्रभाव होता है उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक के जो इलेक्ट्रॉन्स, नाभिक का जो चार्ज होता है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, धक्का मारते हैं। तो जो बचता है उसके बाद उसको अपन बोलते हैं प्रभावी नाभिक के आवेश। तो ऐसा क्या होता है, ध्यान देना इधर। ये मान लो ये तुम्हारा नाभिक है, इसमें एक कोश हो गए अलग अलग। मैं बोल रहा हूं कि ये जो नाभिक है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, उस पर कोई फोर्स लगाए, तो उसको अपन बोलते हैं नाभिकीय आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? नाभिकीय आकर्षण बल बोलेंगे। परंतु यहां पर नाभिकीय आकर्षण बल के साथ मैं बोल रहा हूं कि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है और ये बाह्यतम कोश है और ये अंदर का कोश है, तो अंदर के कोश में भी इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये जब इलेक्ट्रॉन अंदर की साइड आएंगे तो ये अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे, मतलब धक्का मारेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। किससे? नाभिक से। तो इस प्रकार से बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से जो बचाते हैं उसको क्या बोला जाता है? परिरक्षण प्रभाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शील्डिंग इफेक्ट। इसके बाद नाभिक के पास जो चार्ज बचता है उसको अपन बोलते हैं नाभिकीय, प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण बल। ठीक है, तो यहां पर अपन बोलते हैं कि बाएं से दाएं जाएंगे, इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो पहले क्या होता है? तो देखो 3d1 4s2, बाहर के इलेक्ट्रॉन 4s के जो इलेक्ट्रॉन है, अब अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, 3d के अंदर क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है अंदर की साइड, तो ये इतना इसको बचा नहीं पाता, रिपेल नहीं कर पाता। अपन को पता है कि शुरुआत में क्या होता है कि डी ऑर्बिटल के अंदर अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उनको नाभिक से बचा नहीं पाता। पर जैसे जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज इस तरह से जाते हैं, तो अंदर की साइड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, D2, D3, D4। जब अंदर की साइड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो अपन बोलते हैं बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों से रिपेल होने लग जाएंगे, मतलब परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ जाएगा। और परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा तो क्या होगा कि शुरुआत में तो परिरक्षण प्रभाव का मान कम होता है, जिससे त्रिज्या कम होती है, नाभिकीय आकर्षण बल का मान ज्यादा होता है। परंतु जैसे जैसे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है तो क्या होता है, तो अपन बोलेंगे प्ररक्षण प्रभाव बढ़ेगा। और प्ररक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो बीच में एक ऐसी कंडीशन आती है कि वहां पर नाभिकीय आकर्षण बल, जैसे बात करें अपन मैग्नीज, उसके बाद फेरस कोबाल्ट या क्रोमियम मैग्नीज फेरस के अंदर जो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण बल का मान और प्ररक्षण प्रभाव दोनों का मान लगभग इक्वल हो जाता है। तो वहां पर जो रेडियस है वो कांस्टेंट हो जाती है। इस तरह से जब रेडियस कांस्टेंट हो जाएगी, फिर क्या होगा? फिर डी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती गई, 6, 7, 8, 9 इस तरह से, तो क्या होगा?
अब अंदर की साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, अब अंदर की साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, अब अंदर की साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसको धक्का मार के बाहर कर देंगे। अपन बोल सकते हैं कि शुरुआत में तो नाभिक के आकर्षण बल का मान बढ़ता है जिससे त्रिज्या कम हो गई, बीच के अंदर दोनों का मान बैलेंस हो जाता है, या अपन बोल सकते हैं दोनों का मान लगभग बराबर हो जाता है जिससे दोनों की त्रिज्याएं, या अपन बोल सकते हैं संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनकी जो त्रिज्या है वो कांस्टेंट हो जाती है। जबकि बाद में क्या होता है, नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है क्योंकि 3D के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने की वजह से प्ररेक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा, और प्ररेक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान बढ़ता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहां पर आता है। तो इसमें दो फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर है, एक तो है नाभिकीय आकर्षण बल और एक है प्ररेक्षण प्रभाव। तो नाभिकीय आकर्षण बल त्रिज्या के मान को कम करता है, या अपन बोल सकते हैं परमाणु के आकार को कम करता है, जबकि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या करता है, जो शील्डिंग इफेक्ट या प्ररेक्षण प्रभाव होता है त्रिज्या के मान को बढ़ाता है। तो ऐसा बोला गया प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में शुरुआत में नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता है जिससे त्रिज्या कम होती है, बीच के तत्वों के अंदर नाभिकीय आकर्षण बल और प्ररेक्षण प्रभाव का मान बराबर हो जाता है जिससे त्रिज्या अपन बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट होती है, और बाद में क्या होता है नाभिकीय आकर्षण बल का मान कम हो जाता है और प्ररेक्षण प्रभाव बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इसकी वजह से त्रिज्या का मान बढ़ने लग जाता है। ठीक है, यह बताया गया है। अगला अपना टॉपिक है आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसकी बात करेंगे अपन अगले वीडियोज के अंदर। इतना देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हो तो लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और कर दो जिससे बाकी के जो वीडियोज हैं आप लोगों के काम आ सके। धन्यवाद।